Let's go. Actually, Sindhudurg Airport, it was a roller coaster ride. So, यहाँ से अभी ज़्यादा दूर नहीं है, सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट से हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग जा रहे हैं. पहले घर जाने के पहले हम मंदिर जाएंगे, हमारे विठोबा के मंदिर, जिस विठोबा सीरियल के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिस एक्टर से मैंने आपको मिलाया था, इस पार्ट ऑफ दैट सीरियल. और हमारे कुलदेवत है विठोबा, और हो सके तो कुछ आपको विठोबा के बारे में भी मंदिर चल के आपको बताऊँगा. सानू एक्साइटेड मंदिर जाने के लिए? नया मंदिर देखने मिलेगा शायद. पिछले साल काम चल रहा था, पता नहीं अभी काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, बट यहाँ से बेस्ट ट्रांसपोर्ट होते हैं ऑटोज. और देखो कितने खूबसूरत रोड होते हैं. तो वेतोबा के मंदिर में हम लोग आ चुके हैं हमारे, और अंडर कंस्ट्रक्शन है, देखो काम चल रहा है, शायद अगले साल तक पूरा हो जाएगा. सबको पैरों के दर्शन दिला देता हूँ. सो वेतोबा की स्टोरी आपको थोड़े शॉर्ट में बताता हूँ. वेतोबा ये शिव का ही रूप है यहाँ पे, और वैसा कहा जाता है कि वेतोबा जहाँ जहाँ उनके भक्त है या जहाँ जहाँ दुनिया में जहाँ भी जाते हैं, वेतोबा उनकी रक्षा करने के लिए वहाँ तक चल के जाते हैं. और उनके पैर काफ़ी बड़े होते हैं. अभी वो पैर बड़े होते हैं इसीलिए एक प्रथा थी ये चप्पल उनको देने की. देखो कितनी बड़ी है, मेरा हाथ देखो कितना है, अरे चप्पल देखो तो कितनी बड़ी चप्पल है, और ये चप्पलों के भी, और ऐसा कहा जाता है कि ये चप्पल भी घिस जाती है उनके चलने से. अब ये हम सब बिलीव भी करते हैं, क्योंकि वो जब चलते हैं तब उनको बोलते हैं कि बहुत विराट रूप में चलते हैं, और उनके पैर बहुत दूर तक चलते हैं. उनकी काठी जो तलवार होती है या लकड़ी जो होती है उनकी, वो जो बुरा काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर चलती है. तो ये एक प्रथा थी कि जो चमड़ा यूज़ होता है वो हिरन का चमड़ा, अभी हिरन का चमड़ा नहीं मिलता ना, तो ये बहुत सारे जो पुराने चप्पल है यहाँ पे है, देखिए बड़े बड़े चप्पल, ये देखिए अभी कंस्ट्रक्शन चालू है ना, तो सब ढक के रखे हुए हैं. अब यहाँ से चलेंगे घर, एयरपोर्ट से सीधा यहीं आए थे, अभी घर जाएंगे. ये कोंकण की सुंदरता है जो हमें हर साल यहाँ पे खींच के लेके आती है वापस घर पे, और बार बार आने का मन करता है, काम ना होता तो हम यहाँ पे बार बार आते. और ये देखो
स्पेशली बारिश में, या गणपति के टाइम जब बारिश ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही होती है और झरने होते हैं और हर जगह हरियाली होती है। मेरा एयरपोर्ट का बाहर की दीवार है, फेवरेट स्पॉट्स। घर जाते वक्त का मेरा सबसे फेवरेट स्पॉट है ये। ऐसे ब्रिजेस नदियों के ऊपर, खाड़ियों के ऊपर आपको बहुत मिलेंगे कोकण में, बहुत खूबसूरत होते हैं। यहाँ पे आगे शायद सब्ज़ी भी मिलती है जो यहाँ के लोकल वेंडर्स, लोकल फार्मर्स बेचते हैं, अगर दिखेगी तो खरीद लेंगे। Hours later. Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all.